तो ये होने वाला है ओशिनोको यानी कि माय स्टार के सीजन 1 का लास्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 11 जिसका नाम है आइडल। चलो बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ आइडल ग्रुप्स होते हैं जो कि अपना परफॉर्मेंस देकर के घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे उनमें से एक आइडल जो होती है वो अपनी दोस्त को कहती है कि मैं अभी घर नहीं जा रही हूँ, मुझे उन क्यूट आइडल्स को देखना है जो हमारे साथ ड्रेसिंग रूम में थी। जहाँ पे फिर उसकी कलीग्स जो होती हैं वो उससे पूछती हैं कि उनका स्टेज कौन सा है, जहाँ पे वो रिप्लाई करती है कि उनका स्टेज स्टार स्टेज है। वैल ये सुनते ही उसकी दोस्त काफी नाराज हो जाती है, बिकॉज वो जो स्टेज था उसमें काफी हीट आ रही थी। वहीं फिर हमें सीन चिट करके उन्हीं के स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी भीड़ आ रही है। अभी हमें वहाँ तीन लड़के दिखाए आते हैं जो कि उसी स्टेज के पास आते हैं, जहाँ पे वो तीनों डिस्कस करते हैं कि ये जो है मैम का शो होने वाला है एंड मैम एक बहुत बड़ी स्ट्रीमर और यूट्यूबर है। जहाँ पे वो साथ ही साथ बात करते हैं कि ये जो है लव नाउ करके एक सीरीज में भी थी। एंड फिर तभी वो लोग बात करते हैं कि कैसे मैम एंड बाकी लोगों ने अपना न्यू आइडल ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बी कोमोची। ये नाम सुनते ही जो बीच वाला होता है वो उनको बताता है कि आज से कुछ टाइम पहले बी कोमोची नाम का एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें काफी पॉपुलर आइडल थी जिसका नाम आई था। आई को लोग काफी ज्यादा प्यार करते थे, सब लोग उसके दीवाने से थे और उसकी टिकट्स भी काफी जल्दी सोल्ड आउट हो जाती थी। खैर मुझे लगता है कि ये पुराने बैंड का नाम यूज करके नए आइडल ग्रुप्स खुलाया गया है, इनका भी एक बार शो देख ही लेते हैं कि कैसा परफॉर्म करेंगे लोग। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रूबी मैम एंड काना ये तीनों रेडी हो चुकी हैं एंड इनका क्रू मेंबर आ चुका है जो उनको कहता है कि अगली बारी आपकी है। जहाँ पे वो लोग जैसे ही एंटर करते हैं काफी ज्यादा भीड़ वहाँ पे आ रखी होती है, जहाँ पे मैम डिस्क्राइब करती है कि मेरी डिसेंट ऑडियंस यहाँ पे बनी हुई है लेकिन मुझे येल्लो से ज्यादा रेड भी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ फिर हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूबी जो होती है और रेड कलर की स्टिक्स को चूज करती है एंड कहती है कि मैंने इसलिए चूज करी है बिकॉज ये आई की भी फेवरेट थी। वही मैम जो होती है वो अपनी येल्लो कलर की स्टिक को चूज करती है, वही अपनी जो काना होती है वो व्हाइट कलर का स्टिक यूज करती है। मैम उसको कहती है कि तुमने व्हाइट कलर क्यों चूज करा, ये तो काफी कॉमन है, इसके लिए तो ऑडियंस लड़ेगी भी नहीं। वहीं पे फिर रूबी जो होती है रिप्लाई में कहती है कि तुम व्हाइट को चूज करो बिकॉज ये तुम पे सूट करता है। वेल ये जो कलरफुल स्टिक्स हैं ये डिस्क्राइब करती हैं कि पूरे ऑडियंस में किसकी ऑडियंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद फिर हमें दिखाया आता है कि वहाँ पे इन तीनों ने अपना स्टार टी रेन नाम का सॉन्ग स्टार्ट कर दिया है एंड ये तीनों ही डांस करना शुरू कर देते हैं एंड इनका परफॉर्मेंस देख करके पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा हाइप्ड अप हो रखी होती है, हर जगह काफी ज्यादा एनर्जी फील होती है ऑडियंस को। वहीं तभी परफॉर्मेंस के दौरान अपनी जो काना होती है वो अपने आप को हौसला दे रही होती है कि सब चीज अच्छी रहेगी, तुम्हें बस हार नहीं माननी है, तुम्हें नर्वस नहीं होना है। वहीं पे वो रियलाइज करती है कि उसने काफी बढ़िया डिसीजन लिया मैम को बीच में एज अ सेंटर बनाने का, बिकॉज वो जहाँ पे भी देख रही है ऑडियंस में येलो कलर की लाइट कुछ ज्यादा ही जल रही है एंड इससे उसको क्लियरली स्टेटमेंट मिल जाता है कि सब लोग यहाँ पे मैम को देखने आए हैं एंड ये पूरी ऑडियंस मैम की ही है। वहीं तभी हमें दिखाया जाता है कि वही दो लोग हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एक जो होता है वो अपने बॉस से पूछता है कि बॉस आप बताइए आपको ये बी कोमोची कैसी लगी। वहीं पे उसका बॉस जो होता है वो रिप्लाई में कहता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तीन बेवकूफों को लगा के तुम बी कोमोची नाम कैसे दे सकते हो, हमारे टाइम पे तो आई द लेजेंड थी, वो जब आती थी तो ज्यादा शोर गुल्ला होता था, काफी फन होता था। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे अपनी बी कोमोची अपना फर्स्ट सॉन्ग को ओवर करते हैं अपना जो बॉस होता है वो भी जो है उनके लिए वेव करना शुरू कर देता है। फिर तभी हमें दिखाया आता है कि उनका गाना खत्म हो चुका है एंड सब लोग जो होते हैं चीयर कर रहे होते हैं। तभी अपनी काना रूबी को देखती है, रियलाइज करती है कि इसको ये सारी चीजें करने में कितना मजा आता है। मुझे तो रूबी को देख के स्टार्टिंग से लगता है कि ये पैदा ही जो है आइडल बनने के लिए हुई है, इसको कितना ज्यादा फन करने को मिल रहा है। लेकिन मैं एक तरफ काफी ज्यादा चैलेंज भी फील कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सिर्फ इन्हीं को देखने आए हैं, मुझे कोई भी नहीं देख रहा। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने अपना सेकंड गाना शुरू कर दिया है, वही काना रियलाइज करती है कि उसकी मॉम और उसके मैनेजर दोनों ने जो है उसका सपोर्ट छोड़ दिया था एंड उसके फैंस भी उसको भूलना शुरू कर चुके थे। 10 साल तक काफी ज्यादा इसी चीज में रोती रही। वो रियलाइज करती है कि अगर कोई भी कह देता कि प्लीज रुक जाओ तो अपनी पूरी मेहनत करके और आगे बढ़ने की कोशिश करती एंड यही सब सोच के काफी ज्यादा सैड होने वाली होती है। तभी वो सामने देख पाती कि स्टेज के एकदम सेंटर में एको आ चुका है एंड उसने उसकी फेवरेट व्हाइट कलर की जो लाइट है उसको दिखा दिया है एंड वो वहाँ पे डांस कर रहा है ताकि ऑडियंस को भी वो डांस करवा सके। एंड ये देखते ही अपनी जो तीनों लड़कियां होती है काफी परफॉर्मेंस में जी जान डाल देती है एंड इसी वजह से जो उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हिट जाता है उसी के बीच अपने काना जो है वो आंख मार देती है अपने एक्वा को। जहाँ पे फिर उनका कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है, वो तीनों के तीनों सबको जो है थैंक यू बोल रहे होते हैं। उसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वो जो ऑडियंस में जो दो लड़के हैं वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि इनका शो कितना ज्यादा हिट था, ये लड़कियां काफी ज्यादा क्यूट है एंड वो लोग काना की भी फिर तारीफ करना शुरू कर देते हैं कि ये तो पहले से काफी अच्छी सिंगर है। एंड वे सीन जो करके हमें दिखाया जाता है कि अपनी तीनों आइडल जो है वापस अपने घर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलती है वो रियलाइज करती है कि वहाँ पे अपना एक्वा आया हुआ है। जहाँ पे रूबी उससे पूछती है कि ब्रदर वो जो तुमने स्टेज पे करा वो क्या था, मुझे तो काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग जो है गाड़ी से अपने अपने घर जा रहे हैं, जाते हुए काना जो होती है वो
अपने एक्वा से पूछती है कि मुझे बताओ हमारा परफॉर्मेंस कैसा था। तभी एक्वा रिप्लाई करता है कि हम ठीक ठाक ही था, ज्यादा भी कुछ अच्छा नहीं था, फेयर फेयर था। तभी काना रिप्लाई में कहती है कि तुमसे अच्छा ओपिनियन मांगा था, तुम इतना बुरा ओपिनियन क्यों दे रहे हो। जहाँ पे एक्वा रिप्लाई में कहता है कि मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे तुम्हें अभी और जाना है, तुम्हें और भी काफी सारे परफॉर्मेंस और शोज को परफॉर्म करना है, तो मेरे मामले में आगे वाले काफी ज्यादा अच्छे होने वाले। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उसने एक्वा से पूछ लिया है कि और एक्वा अकाने कैसी है। तभी एक्वा रिप्लाई में कहता है कि मैंने उससे काफी टाइम से बात भी नहीं करी है, वैसे भी हमारा ये एक वर्क रिलेशनशिप है, रियल रिलेशन नहीं है, एंड बीच में हम लोग जो है कहीं पे जाकर के इंस्टा पे फोटो शूट करने भी वाले हैं। तभी काना जो होती है वो उसको रिप्लाई में कहती है कि हाँ मुझे तो पता ही था, अगर तुम और अकाने एक साथ आ गए तो तुम्हारा रिलेशनशिप वैसी होगा जैसे तुम्हारा टीवी शो था, मेरे मामले में तो तुम्हें इस तरह के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स कैच नहीं करानी चाहिए। तभी मैम ये सारा इंसिडेंट देखते हुए अपनी प्रेसिडेंट से बात करती है कि तुमने देखा काना के फेस पे एक अच्छी स्माइल आ गई, एंड फिर तभी उसको रियलाइज होता है एंड वो समझ जाती है कि काना ने जो है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैच कर ली है अपने एक्वा के लिए, एंड अपना एक्वा एंड अकाने भी रिलेशनशिप में है, एंड ये लव ट्रायंगल देख करके वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद फिर हमें सीन शिफ्ट करके अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि अकाने का मैनेजर उसके लिए एक नया काम लेके आया था जिस काम में उसको जो है एक्वा के साथ फिर से काम करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ही तरफ हमें दिखाया जाता है कि काना अपने एक्वा से पूछती है कि तुम ही थे ना जो हमें लेसन के टाइम पे पिजन का मास्क पहन करके हमें लेसन करा रहे थे। ये सुनते ही अपना जो एक्वा होता है कहते हैं कि मैंने ये सब इसलिए किया था कि मैं तुमसे बात कर सकूं, एंड ये सुनते ही अपनी जो काना होती है शॉक हो जाती है कि क्या बस तुम्हारा रीजन यही है, क्या तुमने इसलिए ये सब चीजें करी। एंड फिर उस जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है एंड कहती है कि तुमने इसलिए जो है एक भद्दा सा मास्क पहना, तुम हमारे साथ रनिंग और डांसिंग करना में शुरू हो गए। एमी काना साथ ही साथ पूछती है कि एक बात बताओ तुमने ये भद्दी सी आवाज कैसे कॉपी कर ली, मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ तुम्हारे पास इतना सारा नेचुरल टैलेंट पड़ा हुआ है। तभी अपना जो एक्वा होता है रिप्लाई में कहते हैं कि अब उस भद्दी सी आवाज का क्या ही फायदा जब तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए किया था कि मेरी बहन का पहला शो एक सक्सेस हिट जा सके। वेल तभी काना उसको रिप्लाई में कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई, एक और नया बहाना बहन का नाम लेकर के बचने की कोशिश कर रहे हो। फिर अपना जो एक्वा होता है खड़े होकर जाने लगता है एंड कहता है कि मुझे जाना है, मुझे काम भी है। तभी काना उसको रिप्लाई में कहती है हाँ हाँ बच के भाग रहे हो गया, एंड फिर अपना एक्वा जो होता है वो डेविलिश फॉर्म में आ जाता है एंड फिर उसको कहता है कि तुम्हारे सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है दूर से मैम एंड अपना रूबी दोनों के दोनों इन दोनों से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे अपनी जो रूबी होती है वो बात करती है कि मेरा भाई काफी ज्यादा अलग है, वैसे वो किसी को भी टाइम नहीं देता है और धीरे धीरे करके उसकी पर्सनैलिटी भी एकदम डिफरेंट होती जा रही है, वैसे तो काफी नॉर्मल रहता है लेकिन जब भी काना उसके सामने आ जाती है तो काफी ज्यादा और बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है। ये सुन के मैम काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करती है, कहती कि अकाने तुम्हें और ज्यादा काम करना होगा अपने पे। वेल फिर सीन शूट करके हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो है एनिमे के ऊपर बात कर रहा है जिसका नाम है टोक्यो ब्लेड, जिसमें वो बताता है कि इस एनिमे की 50 मिलियन से ज्यादा जो है मांगास बिक चुकी है एंड इसकी एक मूवी भी आई थी जो काफी ज्यादा हिट गई है, एंड फाइनली मुझे जो है स्टेज प्रपोजल की राइट्स भी मिल चुकी है एंड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, अब ये एनिमे स्टेज लेवल तक जाएगा। जहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डायरेक्टर भी होता है जो कि बात करता है कि हाँ इस एनिमे को मैं जानता हूँ, मेरी बेटी इस एनिमे को देखती है, वैसे तुम इसको 2.5D पे प्ले करवाओगे। जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मैं इसको 2.5D पे प्ले करवाऊंगा एंड इसके लिए मैंने काफी ज्यादा बजट भी कलेक्ट कर लिया है। जहाँ पे साथ ही साथ वो जो बंदा होता है वो बात करता है कि मैं जो है काफी ज्यादा अलग स्टेज बनाऊंगा जो एकदम 360 डिग्री की फील देगा, जहाँ पे हम एटमोस्फेरिक चीजें भी इंक्लूड करेंगे एंड वहाँ पे हम भर भर के CGI यूज करेंगे ताकि लोगों को मांगा का जो एडेप्टेशन है वो रियल लाइफ एकदम फील हो पाए। जहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने इवेंट वाले लोगों से भी बात कर लिया है, मैंने लाइनअप भी सिलेक्ट कर लिया है एंड मैंने अरेंजमेंट और असिस्टेंस के लिए थिएटर कंपनी लालिया को भी सिलेक्ट कर लिया है स्टेज एडेप्शन के लिए। तभी डायरेक्टर रिप्लाई में कहते हैं कि ओहो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली तुमने किंडाची को भी जो है एग्री करवा दिया है। जहाँ पे साथ में कहते हैं कि हाँ हाँ भाई ये सब बजट का कमाल है वरना आजकल तो फाइनेंस काफी ज्यादा टाइट चल रहा है। जहाँ पे कास्टिंग के ऊपर बात करते कहते हैं कि मैंने अकाने को भी साइन कर लिया है कास्टिंग के लिए क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर है वहाँ पे, मैंने काफी सारे और लोगों को भी कास्टिंग के लिए रेडी कर लिया है लेकिन मुझे एक आउटसाइड टैलेंट भी चाहिए, इसलिए काबुरा की डायरेक्टर जी मैंने आपको एक काम दिया है, आपको एक ढूंढ के लाना है मेरे पास। जहाँ पे काबुरा की कहते हैं कि ये तो बढ़िया आइडिया है, मेरी नजर में एक है लेकिन याद रखना ये तुम्हारे ऊपर एहसान रहेगा। एंड यही सब बात करते हुए वो दोनों मिलके जो है अपनी डील को डन कर लेते हैं। वेल उसके बाद फिर हमें सीन चेट करके दिखाया आता है कि अकाने एंड अपना प्रोटैगनिस्ट ये दोनों के दोनों मिलकर के एक जगह आइसक्रीम खाते हैं एंड अकाने और वो एक दूसरे के साथ फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं ताकि उनके फैंस को लगे कि ये दोनों सच में एक कपल हैं। फिर वो दोनों जो है बात करते हैं अपने अपने रोल के लिए जो उनको मिला है फॉर द टोक्यो ब्लेड एनिमे, जहाँ पे अकाने बताती है कि वो लालिया प्रोडक्शन की जो है सेंटर है एंड इसीलिए जो है उसको लिया गया है। एंड ये सुनते ही अपना जो एक्वा होता है वो रियलाइज करता है अपनी एंड डायरेक्टर की बातें, जहाँ पे उसको याद आता है कि डायरेक्टर ने जो है उससे बात करते हुए बताया था कि लालिया में ही जो है आई को प्यार हुआ था एंड वहीं से जो है उसकी काफी सारी चीजें बदलना
शुरू हुई थी। ये सब याद करते हुए एक्वा जो होता है अकाने को कहता है कि ठीक है मैं जो है इस रोल में पार्ट लूंगा, जहाँ पे अकाने जो होती है कहती है कि मैं प्रिंसेस का रोल प्ले करूंगी एंड बताती है कि अपना एक्वा जो है टोकी का रोल प्ले करेगा एंड उसमें स्टोरी को एक्सप्लेन करती है कि वो दोनों ही जो है लवर का रोल प्ले करेंगे एनिमे में, जहाँ पे वो दोनों ही जो है अपने अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तभी अपना जो पोटेंशियल होता है वो बात करते हैं कि एक शुरू की कैरेक्टर है उसको कौन प्ले करेगा। तभी जो अकाने होती है कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि इसके लिए भी पक्का कोई ना कोई ढंग का कास्टर ढूंढ लिया जाएगा। उतने में वहीं पे कान आ जाती है, उनको इंटरप्ट करते हुए कहती है कि मुझे ये रोल मिला हुआ है एंड बिरो साथ ही साथ अकाने को कहती है कि तुम्हें जो है रियल टाइम पे इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज पोस्ट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें शेड्यूल पोस्टिंग करनी चाहिए, वरना अगर तुम रियल टाइम पे करोगे तो काफी सारे स्टॉकर्स तुम्हें देख सकते हैं। एंड फिर उन दोनों की कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, जहाँ पे अकाने जो होती है कहती है कि अच्छा तुम उस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली हो, मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार हम दोनों ने एक साथ एक्टिंग कब करी थी, मुझे लगा कि तुमने अपनी एक्टिंग छोड़ी थी। एंड फिर अकाने जो होती है उसको रिप्लाई करते हुए कहती है कि अरे तुम तो हाल ही में जो रियलिटी शो में थी, मुझे पता नहीं था कि तुम पैसे के लिए जो है अपनी प्राइवेट एंड पर्सनल लाइफ को भी बेच दोगी। एंड इन दोनों की बातें देख करके लग रहा था कि दोनों ही काफी पुराने राइवल लग रहे हैं। तभी अपनी जो काना होती है उनको कहती कि मैं यहीं पे आसपास थी इसलिए तुम लोगों को अपना रोल बता दिया, बाय द वे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, ये बोल के वहां से चली आती है। उसके जाती अपना जो एक्वा होता है वो अकाने से पूछता है कि क्या तुम इसको जानती हो, जहाँ पे अपनी जो अकाना होती है रिप्लाई में कहती कि हम दोनों जो है साथ ही में इंडस्ट्री में आए जब छोटे थे तो ऑब्वियसली मैं इसको जानती ही होंगी। जहाँ पे फिर अपना जो प्रोटैगनिस्ट होता है एक्वा वो पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में काम करोगे, फिर वो कहती है साथ की बात नहीं है, मैं बचपन से ही जो है ये मेरी राइवल रही है, मुझे इससे काफी ज्यादा चिढ़ है। साथ ही साथ वो बताती है कि वो जो है हर रोल को छीनती रही जो अकाने को चाहिए था साल भर साल एंड मैं जो है इस बार उसको हरा के रहूंगी। जहाँ पे और बात करती है कि काना ने जो अपना बेल पेपर एक्सेस डांस को डाला था जो कि बहुत घटिया था, उसके अलावा भी वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई, काफी ज्यादा हिट हुई, वहीं दूसरी तरफ मैं जो है 24 घंटे स्ट्रगल करती रही। जहाँ पे फिर वो लास्ट में कहती है कि फाइनली इतने सालों बाद मुझे अपनी ग्रज निकालने का चांस मिला एंड ये मौका मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि अपनी काना भी जो है घर जाते हुए कहती कि मैं जो है इस बार नहीं हारने वाली, मैं भी अपना बेस्ट देके रहूंगी। उसके बाद फिर सीन शूट करके हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोडक्शन वाला है वो देख पा रहा है अपनी काना एंड अपनी अकाने को एंड दोनों के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपनी प्रोडक्शन स्टेज के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस स्टेज के लिए हर कोई जो है अपनी जी जान से तैयारी कर रहा है। और उसके बाद फिर हमें जो स्टोरी नरेट कराई जाती है आई की वॉइस से, जहाँ पे वो कहती है कि मैं चाहती थी कि मेरी रूबी बड़ी होकर एक आइडल बने एंड मेरा जो बेटा है एक्वा वो पता नहीं किस तरीके का एक्टर बनेगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अपना जो एक्वा है वो स्टेज में खड़ा है एंड फिर वो रियलाइज करता है कि इस लालिया स्टेज से मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एंड मैं फाइनली उस इंसान को ढूंढ लूंगा जिसने आई यानी कि उसकी मदर को मारा है एंड जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। एंड गाइस लिटरली इसी के साथ हमारे ओशिनोको सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11 जिसका नाम है आइडल उसका हिंदी एक्सप्लेन यहीं पे खत्म होता है, या यूं कह लो इसी के साथ हमारा ओशिनोको सीजन 1 भी खत्म होता है। एंड अगर मैं अपने ओपिनियन में कुछ बोलूं तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो सीजन 1 था ये बस ओके था, ये इतना भी ज्यादा हाइप नहीं था, इसका फर्स्ट एपिसोड ज्यादा कूल था, बाकी तो ऐसी नॉर्मल थे, इनकी बैक स्टोरीज को दिखाया गया था। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो सीजन 2 होने वाला है जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है जो कि 2024 में आएगा, एग्जैक्टली मंथ और टाइमिंग तो नहीं पता लेकिन वो 2024 में यानी कि अगले साल आएगा, उसमें शायद हमें काफी ज्यादा धमाकेदार मिस्टीरियस एंड सीक्रेट एंड काफी ज्यादा नई चीजों के खुलासे देखने को मिल सकते हैं। बाकी तुम्हारा क्या कहना था इस चीज से रिलेटेड कमेंट जरूर कर देना, मैं तुम सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूं एंड तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट जरूर कर देना। एंड या ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना। ऐसी और हिंदी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मैंने ओशिनोको की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है तो उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लेना अगर तुमने कोई भी एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेन छोड़ दिया है तो। बाकी बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि तुम सभी को मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अगर इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। एंड या इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप पे अपने ओशिनोको फैन किसी भी ओशिनोको फैन पे या फिर तुम्हारे दोस्त पे या फिर किसी एनीमे ग्रुप में भेज देना। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलता हूं तुम सभी से एक और नई वीडियो में एक और नई हिंदी स्क्रीन के साथ, तब तक लेट्स लर्न योर हिंदी, साइनिंग ऑफ, नमस्ते।